स्कैम सर्विस सेंटर के स्कैम से हमेशा से बचो, कॉज अगर ये डिस्पैट अगर 250 का बाहर मिलता है ना तो ये लोग 1000 लेता है। सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ब्लैक कैट बाइकर। तो भाई अभी अपने बाइक का सर्विसिंग है, थर्ड सर्विसिंग है, तो फर्स्ट सेकंड सर्विस तो मैंने करा लिया, बट भाई लोग ने बोला कि भाई थर्ड सर्विस का डाल कितना कॉस्ट आता है R15 V4 का। बहुत लोग V4 अभी बाई कर रहे हैं, कॉस्ट V4 अभी ट्रेंड कर रहा है मार्केट में, तो अभी चलो इसका देखते हैं। भाई देखो ये 5000 मेरा बाइक 6000 आई थिंक चल चुका, 5 पे भाई सर्विसिंग था, गलती हो गया भाई, कोई नहीं। तो भाई अभी पता चलेगा फिर सर्विसिंग में कितना कॉस्ट आया। चलो मैं तुम्हें डायरेक्ट अभी शोरूम में मिलता, सब कुछ अभी करवा रहा उस टाइम। तो भाई बाइक सर्विस पे जा ही रहा है, तो थोड़ा सा बाइक को भाई कीचड़ में डुबा लेना चाहिए। तो भाई बाइक वाइक यार जब भी धुलवाना ही है तो भाई सर्विस सेंटर वाले से अच्छे से धुलवाओ, मज़ा करवाओ। ये भाई अभी रोड में कीचड़ अच्छा सा है ही नहीं भाई, ये सब पे चलाओ, ऐसे ऐसे चलाओ कम से कम भाई। अरे भाई फंस गया, अरे भाई चक्का इधर उधर हो गया, लेकिन मज़ा आएगा भाई। बारिश का टाइम है और ऐसे ही थोड़ी सर्विस सेंटर में जाकर बाइक दे दूंगा साफ साफ, बिल्कुल नहीं। ये देखो, अरे अरे भाई कुछ ज़्यादा चला गया इनसे अंदर। अभी मज़ा आया, अभी मेरा बाइक बहुत गंदा होने वाला है, मज़ा आएगा। यही सब में तो भाई मज़ा है, क्योंकि सर्विसिंग जब भी बाइक दो भाई गंदा करके दो, क्योंकि भाई वो लोग ऐसे भी पैसा वैसा तो समझ रहे हो ना। तो भाई बाइक को जितना हो सके कीचड़ में घुसाओ और उसके बाद सर्विसिंग पे बाइक दो अपना, क्योंकि वो धोते हैं बहुत प्यार से, उनको भाई एटलीस्ट धोने के लिए तो टाइम तो दो। ऐ वो अभी, अरे भाई ये गड्ढा यहाँ कहाँ से आ गया, और ऐसे ही घुसाऊँगा कि गंदा हो। मज़ा आ गया भाई, ज़्यादा भी नहीं घुसा रहा क्योंकि मैं खुद फंस गया तो दिक्कत हो जाएगा, गिर वर गया ना तो अलग लोचा। तो भाई अब तो जस्ट राम, अभी तो रोड अब क्लीन मिल रहा है ना, तो अभी इधर गंदा होगा मैं उधर घुसाऊँगा फिर मिलूँगा। भाई अपने लोग सर्विस सेंटर आ चुके हैं, और पहले तो मैं इधर का रास्ता ही भूल गया था, और ये हमारा यामा का सर्विस सेंटर। और अपने लोग गाड़ी आ चुके हैं, दरवाजा खोलो दरवान लोग। और सब लोग अपन को देख रहे गाइस, और यहाँ का मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ। तो गाइस बाइक का भी देखो मेरा पहचान चल रहा है, बुकिंग था बहुत बढ़िया मुन्ना, बुकिंग था। क्या नाम से था? नाम पता नहीं, याद नहीं, बट नंबर अब नाम पता भी कहिएगा तब। 595 पे दिखाइए ना किधर है, सुबह का था 10 बजे। 595 लेकिन यहाँ पे 3 है। अरे मेरा इधर तो दिख नहीं रहा, यामा R15 का किधर है, वर्जन 4 का। आप इसी में हेलमेट को हटाइएगा तब ना जी, हेलमेट लगे में ना आपको हम देख रहे हैं ना हमको आप देख रहे हैं। आप ऐसे करके देखिए कितना गाड़ी सब का है, दोनों पे मैसेज आया है। R15 पहले थोड़े रहे हैं, सर का गाड़ी कर रहे हैं, इनका है तो कर रहे हैं। इस पर भी है, दोनों पे मैसेज है, देखिए यहाँ पे क्लियर। ठीक है सर, भाई बेइज्जती हो गया तो हमारा तो है ही नहीं, गलती हो गया क्या गाइस? हाय गाइस, फोन हेलो, इनका ही है। ये था मेरा बाइक का वो अपॉइंटमेंट था, फाइनल, बट उस पर शो नहीं कर रहा है वो। एग्जैक्ट आपके पास 10:00 पे मेरा एंट्री हुआ है उधर सेंटर सबसे ऊपर ही में था वो। अंकल जी थोड़ा एज हो गया ना भाई, तो थोड़ा दिमाग भी इनका हो चुका है, एज हो गया दिमाग का भी, कोई बात नहीं, लेकिन सबका अपना अपना जिंदगी है भाई। बहुत प्यारा मशीन अभी ये दिख रहा है, कॉज ये धुल गया ना तो इतना साफ तो मैं कभी लाइफ में ना रखूँ। और ये ब्लैक हेड हो कितना प्यारा दिख रहा है भाई, बाइक सर्विस होके तो आ गया भाई, बाइक इतना न्यू दिख रहा है ना, बट पता नहीं 3500 का लोग कॉस्ट बना दिया, उस बात का तो दिक्कत नहीं है, बट इन लोग का भाई इतना बिहेवियर गंदा नहीं है वाले सर्विस सेंटर का, कॉस्ट ये लोग बात करता है तो इन लोग को तमीज़ नहीं है बात करने का। एक तो पहले इन लोग बुकिंग दे रखा था फर्स्ट नंबर पर, बट जब जाओ तो इन लोग का कहना है कि संडे था तो सबका बुकिंग पहले हो गया, तो भाई कॉल करके क्यों बोलना कि फिर ये आपका बुकिंग है फर्स्ट। तो ये सब बकचोदी बहुत रहता है सर्विस सेंटर के इधर वाले का। और ये चाचा जी को तो पता नहीं किस बात का चुल मचा रहा था, इनको तो मेरा चेहरा ही देखना रहा था, मैंने इनका तो पीछे दिखा दिया आपको।
तो अभी मैं क्या बोल रहा वो सुनो, सर्विस सेंटर में दिक्कत कुछ नहीं हुआ, बट ये लोग फिटिंग थोड़ा इशू कर देते हैं। बाइक ले गए अच्छे से और बाइक भी अच्छे से साफ़ इन लोगों ने नहीं करा मेरा कॉज। बाइक अगर साफ करते मेरा बाइक में जामुन चिपका पड़ा था, जामुन वो मैंने चलाया था, बात अलग, मैंने ऑफ रोड भी कर दिया था इस बाइक से, तो ये लोग धोते भी अच्छे से नहीं है, बट कहते कि धुल गया, अब आप अपनी बाइक लेके जा सकते हो। भाई बाइक सर्विस हो के तो आ गया और बहुत प्यारा भी ये मशीन दिख रहा है, कॉज ये पूरा न्यू हो चुका है। देखो एक लुक दिखाता साइड से देखना, बहुत प्यारा दिख रहा है। अभी इतना स्मूथ स्टैंड हो रखा है ना इस बाइक का, कसम से मज़ा आ जाएगा देखने को। ये कैसे चमक रहा, और ये थोड़ा सा गंदा हो भी गया अभी ना, अभी उसके वजह से हुआ है, बहुत प्यारा भी दिख रहा ना। तो ये क्या दाग है क्या, ये साला अच्छे से नहीं साफ करा ये लोग, कोई बात नहीं। तो और दूसरा बात ये ना कि भाई अभी वाला मेरा जो कॉस्ट है ना वो 3500 हुआ थर्ड सर्विस। कौन सा कौन सा चीज़ इस बाइक में लगा, एक डिस वो 1000 के आसपास का आता है, वो दोनों साइड का चेंज हुआ, ठीक है, टैंक क्लीनर हुआ, उसके बाद वो चेन का जो भी, बस 3-4 चीज़ हुआ और 4 में वो 3500 रेट चला गया। तो भाई ये तो एक चीज़ समझ आता है भाई, वीवो रखने के बाद पैसा तो बहुत उड़ता है भाई, बहुत ज़्यादा। तो भाई अभी मैंने अपने बाइक का वापस डिस्पैच चेक करवाया, ठीक है, तो अभी तो मैंने न्यू लगवा लिया वो वाला, ठीक है, और मैंने पुराना वाला भी लेकर एक नॉर्मल से शॉप पे दिखाया ना, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं ना कि ये तो सही तो है। तो मीन्स तुम यही समझो ना, अगर थर्ड सर्विस पे तुम्हारा बाइक का डिस्पैच अगर चेंज हो रहा है दोनों साइड बहुत साइड का, तो मत करवाओ, क्योंकि पैसा बचाओ भाई, 1000-2000 तो उस पर ही बिल फटता है, 1500-2000 तो बिल फट जाता है डिस्पैच पे। तो दिमाग में रखो, कभी भी यामाहा का R15 का सर्विस करवाओ बाइक का, तो डिस्पैच कभी भी शोरूम से मत लेना। स्कैम सर्विस सेंटर के स्कैम से हमेशा से बचो, कॉज अगर ये डिस्पैच अगर 250 का बाहर मिलता है ना तो ये लोग 1000 लेता है, तो 2000 के चक्कर में भाई 500 खर्च कर लो बाहर जाकर, वो सही है। और डिस्पैच कोई भी चेंज कर दे, कोई इंजन इशू नहीं है, जो लैपी करेगा इससे करेगा, उस चेक करेगा उससे करेगा। तो मेक श्योर जब भी बाइक सर्विसिंग पे जाओ, थर्ड सर्विस, फोर्थ सर्विस, कोई भी सर्विस, फर्स्ट सर्विस से फोर्थ सर्विस तक कंपनी में कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोच के कराना, थर्ड सर्विस तक आएगा तो बात, तो डिस्पैच ये सब सोच समझ के करवाना। ये नहीं कि भाई गए न्यू ओनर है और जाके करवा दिए सब कुछ, तो चूतिया ही बना देगा वैसे में। सो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, देन मेक श्योर लाइक कमेंट शेयर, बट स्कैम से बच के रहना ऐसे ऐसे लोग से। मेरा तो भाई मेरे से क्या स्कैम करें, मैं तो बहस करना स्टार्ट कर देता, क्या किस चीज़ से मैं नहीं डरता उस टाइम। और भाई गाड़ी अपने भाई माँ बाप इतने मुश्किल से बाइक वाइक देते हैं, और 2-2.5 लाख का बाइक मिल रहा है, तो कुछ रीज़न होगा ना घर से, इतना पैसा का बाइक मिलता है, और बस उन लोग से डर के भाई बाइक का कुछ भी चेंज करवा लो, और वो चीज़ भी अच्छा है बट उसको भी फेंक देता है ये लोग। तो वो डिस्पैच तो मैंने रख लिया, बट अगली बार से कोई नहीं, एक ही बार ना गलती होता है। वो अगर शोरूम जाओगे सर्विस सेंटर, वो न्यू लगाएगा नहीं लगाएगा, जब कुछ चीज़ अच्छा भी रहेगा ना तो वो लगा देगा, तो ये सब चीज़ से बचना बस। सो गाइस जैसे कि स्कूटी मेरा, इस पर ये ब्लॉग आने वाला है, मैंने इसको भी रिव्यू देना है, तो ये ब्लॉग तुम्हें कल मिल जाएगा। बाय बाय, ब्लैक कैट।